हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? प्यारे बच्चों, आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर 8 में कुछ अच्छे और क्वेश्चंस को करेंगे। पहला हमारा सॉल्यूशन होगा क्वेश्चन नंबर 1, जो कि आपके पास है। साइन 30 अपॉन साइन 45 प्लस साइन 45 अपॉन सेक 60, साइन 60 अपॉन कॉट 45 एंड माइनस कॉस 30 अपॉन साइन 90। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। साइन 30 अपॉन साइन 45 डिग्री प्लस 10 45 डिग्री अपॉन सेक 60 माइनस साइन 60 अपॉन कॉट 45 डिग्री एंड माइनस कॉस 30 अपॉन साइन 90। क्लियर? तो लास्ट क्लास में आपको मैंने बताया था कि क्या वैल्यूज होती हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की, उन वैल्यूज को हम यहाँ यूज करेंगे। तो साइन 30 होता है बच्चों 1/√2, साइन 45 होता है 1/√2, क्लियर, एंड 10 45 इज 1, sec 60, cos 60 मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था होता है 1/2, और sec होता है रेसिप्रोकल ऑफ cos, सो दिस इज 2, तो sec 60 होता है 2 आपके पास। ये वैल्यू होती है √3/2 एंड दिस इज 1, एंड माइनस cos 30 इज √3/2 एंड sin 90 इज 1। क्लियर? सो ये वाला सिचुएशन को देखिए बच्चों, आपको पता है कि अगर आपके पास a अपॉन बी एंड c अपॉन डी का सिचुएशन आता है, तो आप इसे लिख सकते हैं AD अपॉन BC। ठीक है, तो ये हमारे पास a है 1, b है 2, c है 1 और d है √2, तो इसको हम बिल्कुल सेम इसी मैनर में लिखेंगे। 1/√2 इज √2 एंड अपॉन 2/1 इज 2 प्लस 1/2, दिस वैल्यू इज −√3/2 एंड दिस इज ऑल्सो −√3/2। नाउ वी हैव डिनोमिनेटर एज √2, एज 2 ओनली, तो ये हो जाएगा आपका √2 प्लस 1 प्लस −√3 −√3। ठीक है, तो फाइनल रिजल्ट आपके पास क्या आएगा? सो दिस रिजल्ट कम्स टू √2 प्लस 1 −√3 प्लस एंड −√3 इज −2√3 एंड अपॉन 2। दिस इज योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नोट डाउन दिस। ओके, लेट मी डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बस आपको ट्रिग्नोमेट्रिक स्पेसिफिक एंगल्स के लिए रेशियो की वैल्यू याद करनी है बच्चों, बाकी का जो प्रोसीजर है इट इज टू इजी। ठीक है, नेक्स्ट सॉल्यूशन नंबर 2, जो कि आपके पास है। थीटा आपको गिवन है, डेट इज 30 डिग्री, जो कि 30 डिग्री है। आपको वेरीफाई करना है कि जब हम इस थीटा को पुट करते हैं इन द गिवन इक्वेशन, दैट इज टेन टू थीटा इज इक्वल टू टू टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो LHS और RHS इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो बाय पुटिंग थीटा इक्वल टू 30 इन फर्स्ट, ओके, इन गिवन इक्वेशन, सो यू गेट टेन 2 इंटू 30 डिग्री इज इक्वल टू 2 इंटू 10 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस 10
30 डिग्री स्क्वायर, ये जो इस तरह से बच्चों होता है लिखा हुआ 10 स्क्वायर थीटा, यू कैन एबल टू राइट इट लाइक दिस 10 थीटा स्क्वायर, एक ही बात होती है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 10 60 डिग्री, दिस वैल्यू इज 2 इंटू 1 अपॉन रूट 3, क्योंकि 10 30 का वैल्यू होता है रूट 3। नेक्स्ट हो जाएगा आपके पास 1 माइनस 1 अपॉन रूट 3 का स्क्वायर, क्लियर। नाउ इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये वैल्यू आ जाएगी 2 अपॉन रूट 3 एंड दिस वैल्यू इज 1 माइनस 1 अपॉन 3, क्लियर। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो फाइनली हमारे पास ये वैल्यू 1060 होता है बच्चों रूट 3, ये आ जाएगा आपके पास 2 अपॉन रूट 3 बाय टेकिंग एलसीएम, तो आ जाएगा 3 माइनस 1 अपॉन 3, ठीक है। तो ये रिजल्ट आपके पास आएगा 2 अपॉन रूट 3 एंड अपॉन 2 अपॉन 3, ठीक है। तो अगेन इसको सॉल्व कर लेते हैं, अपना सेम मेथड है, a अपॉन b एंड c अपॉन d इज इक्वल टू ए डी अपॉन बी सी, तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू रूट 3 एंड अपॉन 2 इंटू 1 मिनट 2 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू रूट 3, ठीक है। तो फाइनली आपको जो रिजल्ट मिलेगा इसके लिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, रूट 3 कैंसिल करेगा रूट 3 को रूट 3 टाइम्स, तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा रूट 3 इज इक्वल टू रूट 3, डेट इज एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, हेंस वेरीफाइड, क्लियर। नोट डाउन दिस सॉल्यूशन एंड थैंक यू।